जय हिंद। लास्ट संडे Q&A में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन थे स्टेरॉयड को लेके, कुछ क्वेश्चन थे मसल बिल्डिंग को लेके, कुछ क्वेश्चन थे फैट लॉस को लेके। ये तो आम क्वेश्चन है, ये आते ही रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चन के आंसर करने की, सभी लोगों को बताने की, और एक ऐसा क्वेश्चन चूज करता हूँ जिससे 15-20 लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था उसमें जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार इस चीज़ पे बताना पड़ेगा लोगों को, इस चीज़ पे वीडियो बनानी पड़ेगी सिर्फ उसी बंदे के लिए, और उसके जैसे क्या पता अगर 10 भी हों और देख रहे हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन आप सुनो, पहले क्वेश्चन ये था कि सर मैं 22 साल का हूँ और मैं पिछले 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरे एब्स अभी तक विजिबल नहीं हुए हैं। पहली बात तो आप अगर एब्स को लेके फोकस्ड हो इतना ज़्यादा तो आप भूल जाओ। अगर आप फिटनेस में आए हो तो इसको लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करो। ये लंबी रेस है, कोई कल ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। कोई 2 साल या 2.5 साल नहीं, लाइफ लॉन्ग चलाना है आपको इफ़ यू आर अ नेचुरल लिफ्टर। तो उसने ये पूछा था कि सर मैं पिछले 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरे ऐप्स अभी तक विजिबल नहीं है, लेकिन राधे मूवी में वो 56 साल के आदमी के अभी भी ऐप्स कैसे हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे लगा कि आपको पता नहीं है क्या, आप कैसे रह गए, आपको कैसे पता नहीं है इस बारे में। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ वो ही अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा। क्योंकि देखो, आप सीधी सी बात समझो, मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ चली जाती हैं, हम पैसा देते हैं, टिकट खरीदते हैं, मूवी देखते हैं और चली जाती है मूवीज़। लेकिन मूवी देखने के बाद 2 सबसे बड़े इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो पड़ते हैं, वो चाहे कोई सी भी मूवी आके गई हो, पहला इम्पैक्ट ये है कि एक्टिंग, एक्टर एक्ट्रेस ने उसमें एक्टिंग कैसे करी है। दूसरी चीज़ उनका फिटनेस लेवल, ठीक है, कि वो कितने फिट हैं उस मूवी में, किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म कर ले रहे हैं जो एक नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमको राधे मूवी में ये दोनों ही चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ना ही एक्टिंग और ना ही जो सोच के, जो समझ के, जो देख के उस लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर उसके ऐप्स हैं 56 साल की एज में भी और मेरे अभी भी नहीं हैं, ना ही फिटनेस। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि कोई 50-55 साल का एक्टर है और वो ऐप्स बिल्ड कर रहा है इस एज में आके, तो ये नेचुरल पॉसिबल नहीं है। वो इन्हेंस्ड फिजिक रहती है, वो एनाबॉलिक का यूज़ करते हैं जैसे आमिर खान ने किया था दंगल में। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर आप इसको कहेंगे कि ये मेहनत है, 1.5 से 2 साल की मेहनत है, 2.5 साल की मेहनत है, तो इतना समय इन एक्टर एक्ट्रेस के पास नहीं रहता है। डायरेक्टर इनको भगा देगा यार कि आप क्या कर रहे हो, आप बॉडी बना लो आराम से, 2-3 साल बाद आना मेरे पास, आपको मूवी दे दी जाएगी। इनको 6 से 7 महीने में ट्रांसफॉर्म होना रहता है। तो वहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये नेचुरल करते होंगे कहीं से कहीं तक? नहीं, यहाँ पे इनहेंस्ड रहती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे इस मूवी में वो मेहनत भी नहीं की गई कि ड्रग्स लेके, स्टेरॉयड लेके बॉडी बिल्ड करी हो, कि स्टेरॉयड लेके एप्स बिल्ड किए हो, नहीं। यहाँ पे VFX का बड़े ही आराम से आप फोटो देख सकते हैं, सलमान खान की जो पिछली फोटोज़ हैं और इस मूवी में जो फोटो यूज़ करी गई है, जो वीडियो इस मूवी में हमको देखने को मिलता है, उसमें सलमान खान के एप्स कैसे दिख रहे हैं, एप्स में ही अंतर है। कोई अगर बच्चा होगा ना तो वो भी देख के बता देगा कि इन दोनों फोटो में अंतर क्या है। आप यहाँ पे एप्स देखो, एप्स का शेप देखो, बेली बटन देखो, आपको अलग ही अंतर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ होते हैं VFX। तो नकली और असली चीज़ों में फ़र्क करना सीखो। 50-55 साल की उम्र में ऐसे ऐप्स बिल्ड नहीं हो सकते हैं नेचुरली, और एनाबॉलिक्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मेहनत भी नहीं की गई। यहाँ पे सीधे VFX उठा के चिपका दिए गए हैं ऐप्स के नाम पे, और बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी हो गए हैं कि 50 साल का आदमी ऐसे ऐप्स बिल्ड कर सकता है 55 साल का, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इस एज में, 22-23 की एज में। एक चीज़ और समझने वाली है कि इन लोगों का प्रोफेशन ऐसा है, ठीक है। सलमान खान ने भले ही VFX का मूवी में बहुत सारा तगड़ा यूज़ हुआ हो, ना ही एक्टिंग सही थी, ना ही फिटनेस सही था, ना ही स्टंट उसने खुद किए हैं, लेकिन एक चीज़ समझो, प्रोफेशन है इनका, इन लोगों का प्रोफेशन है ये, ठीक है। ये चीज़ प्रोफेशनली कर रहे हैं, ये एक्टर हैं, ये हीरोज़ हैं पर्दे के, ठीक है, रियल लाइफ हीरो नहीं, पर्दे के हीरो हैं। तो इन लोगों को ज़रूरत है वो काम करने की, इन लोगों की मजबूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो फिर वहाँ पे यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो VFX हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज़ से अगर इन्फ्लुएंस हो के ये सब चीज़ें खुद के ऊपर अप्लाई करने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो नॉर्मल फिटनेस है ना, नॉर्मल फिटनेस लेवल है ना जो आपका, आप उसको भी गिरा लोगे मेंटली अपसेट हो के। आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, क्या करना है ऐसा जिससे ये कुछ हो जाए। तो फिर गलत रास्ते पे आ जाते हैं हम।
हम दूसरी डायरेक्शन ही बदल देते हैं। फिटनेस का मतलब है अंदर से और बाहर से अच्छा फील करना। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे ने बॉडी बनाई है, किसी एक्टर एक्ट्रेस ने बॉडी बिल्ड करी, अच्छी फिजिक बिल्ड करी है तो उसके जैसी हमको बनानी है और उससे इन्फ्लुएंस होकर हम कुछ भी करने लग गए। नहीं, आप अगर मेंटली फिट हो तो दिस इज फिटनेस। ये सही डेफिनेशन है फिटनेस की, ठीक है। अगर आपके दिमाग में 24 घंटे यही चल रहा है कि एब्स बिल्ड करने हैं, एब्स बिल्ड करने हैं, एब्स बिल्ड करने हैं, बाइसेप्स बिल्ड करने हैं, दिस इज नॉट फिटनेस। वो हो जाएगा, ठीक है, समय दो खुद को, वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन जल्दी होगी नहीं, इन्फ्लुएंस होके होगी नहीं। अब यहाँ पे जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, भाई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है। अगर आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि इस उम्र में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ, दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सलमान खान ने बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड वो लाया है, ठीक है। वो बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड बॉलीवुड में, इवन इंडिया में लाया है। लोग उसको देख देख के उसकी फोटो लगाते हैं दीवार पे और बॉडी बिल्ड करने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से। और सलमान खान की बॉडी उस समय भी बहुत अच्छी थी जब वो गाना आया था ना, ओ ओ जान जान, उस समय, और अभी भी उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कवर करके, नकली चीज़ें चिपका के, एनहांस करके लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं ये रियल बॉडी है सलमान खान की, यहाँ पे कोई एब्स नहीं है, मस्कुलर है वो बंदा, चौड़ा दिख रहा है वो बंदा, लेकिन यहाँ पे जो आपने राधे में देखा उस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्हांस्ड रहती हैं, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो एनाबॉलिक का यूज़ करके हो। तो इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, और आई एम सो सॉरी अगर किसी को कोई ऑफेंड हो गया हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। आप लोग जितने भी ऑफेंडर हो उनको भी जानना ज़रूरी है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरीके का क्वेश्चन, कन्फ्यूजन या फिर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like the video, share it and subscribe the channel, press the bell icon. Milta aap sabhi logo se next video mein, tab tak ke liye jai hind, vande mataram. This is Shivom Dubey signing out from Go Fitness Stories.